नहीं है। अगर आज वो राखी के साथ खड़ी है, इसका मतलब क्या, वो राखी के लेवल की हो गई। राखी कुछ भी बोलेगी और आप लोग वही सेम सवाल करते हैं पूरे दुनिया को। सबसे पहले तो एडवोकेट का नाम आप इसमें से बाहर निकालिए। वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत प्रोफेशनल है। उसका नाम कभी मुझे कोई सवाल नहीं, उनका जवाब नहीं देना और ना कभी सवाल करना राखी के कहने पे आके। और क्या बोला आपने कि आप वहां से वो वहां से निकल गई थी, लेकिन आप वहां तक काफी दिनों तक रुकी थी। राखी प्रूफ दे देना आपको। और रही बात दुबई की, दुबई राखी के बाप का है क्या? मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। दुबई के 5 स्टार में भी रह सकती हूँ, दुबई के कोई भी 2 स्टार में भी रह सकती हूँ। राखी जो भी बोल रही है सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है। वो सिर्फ गंद कर रही है, सिर्फ गंद, प्रूफ के साथ बाहर आए। दूसरी बात, राखी को क्या करना है? मैं 15 दिन रही, मैं ना रही, 2 महीने रही, 6 महीने रहूं? मैंने कभी राखी को पूछा कि आप हर 15 दिन दुबई में जाते हो, आप क्यों जाते हो? मैंने कभी सवाल नहीं किया। मैं आज भी ये कर रही हूँ, जिस दिन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दूसरे दिन से राखी जो गंदे मुझ पर आरोप लगाती है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ। कब मैंने किसी के पास ये स्टेटमेंट दिया है राखी के बारे में? मैंने एक भी एलिगेशन लगाया हो कि राखी ऐसा करती है, राखी ये करती है, राखी की पर्सनल लाइफ ये है? एक भी मुझे सवाल निकाल के दिखाइए जवाब जो मैंने दिया हो। कभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। मेरे पिछले 15 दिन इसी में जा रहे हैं जो राखी मेरे बारे में गंद बोलती है। मैं अपने आप को क्लीन चीट दे रही हूँ और अब राखी ने हद पार कर दी है। राशि, राखी एक और इल्जाम लगा रही कि आप बेवड़ी हो, ये उनका वर्ड था, और आप 50-50 पैक लगाते हो और आपको ब्रेन ट्यूबर हो जाना चाहिए और आप मर जानी चाहिए क्योंकि आप उनका पति छीन लिए। देख लीजिए, जो लड़की ये कह रही है कि मुझे मर जाना चाहिए और इसके वीडियो क्लिप्स है, उसने लाइव बोला है। वो जिस तरीके से बोलती, एक तो वो उसकी धर्म, अभी इसके पास कोई धर्म नहीं बचा है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। धर्म के साथ खेलने वाली लड़कियाँ, अमर, अकबर, एंथोनी, राखी सावंत, उस पिक्चर में 3 हीरो लिए गए थे और तुम अकेली ही हो। अमर, अकबर, एंथोनी, अपने मुंह को लगाम दो, तुम्हारे में शर्म हया सब खत्म हो चुकी है। राखी सावंत ने यह भी कहा कि रिसेंटली अभी अमित सर का बर्थडे में जब गए थे तो आपको वहां से निकाल दिया गया, राखी सावंत ने निकलवाया ताकि वो आ सकेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि राखी सावंत बोलती है कि उस मेरे स्टूडियो, मेरा घर उसके वजह से चलता है, पूरा लोखंड वाला वही चलाती है। तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है कि राखी सावंत ने मुझे वहां से भी निकलवा दिया। अच्छा, ये भी कहा था राखी ने कि आप मंत्रियों से पैसे लेते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, बाकी लोगों को लूटते हो। ऐसे घटिया सवालों का मुझे जवाब देने की जरूरत है? 12 साल से लोखंड वाला मार्केट में मैं इज्जत का काम कर रही हूँ। उसके पहले मल्लाड़ एवरशाही नगर में मैं एक छोटी दुकान चलाती थी। मैंने वहाँ से मेहनत करके मैं शिफ्ट हुई हूँ लोखंडवाला मार्केट में। केवल आप लोगों को पता है कि मैं 12 साल से लोखंडवाला में हूँ। उसके पहले मैंने मल्लाड़ में एक छोटी दुकान चलाई है जिसका नाम था ट्रू ब्यूटी सलोन, लड़कियों का, वो भी ओनली लेडीज। आज भी करती हूँ ओनली लेडीज और बहुत क्लासी काम करती हूँ, बहुत क्लास मेंटेन करके कर रही हूँ। तो राखी सावंत जो बोलेगी उसमें क्या सच्चाई है? मैं क्यों आज यहाँ पे बैठी हूँ, लीगली बैठी हूँ आज? ये जो राखी सावंत मेरे बारे में गंदा बोल रही है ना, मैं अब केवल और केवल राखी सावंत को लीगली देखूंगी। राशि जी, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो एलिगेशन लगाए थे जिसको लेके आपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो आप नेल आर्ट स्टूडियो के बारे में इन अनडिसेंट का किया था, तो उसको लेके मेन वहाँ से ही विवाद शुरू हुआ है सब, तो क्या आपने एक्शन लिया है? क्योंकि लगातार राखी कह रही है, शर्ली माफ कीजिए, राखी कह रही है कि कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो आपके एडवोकेट आज बैठे हैं, तो वो मेन आप बताइए। बिल्कुल, मैं इसलिए आज लीगल टीम के साथ बैठी हूँ। जरूरी उसी दिन से शुरुआत नहीं हुई थी, उस दिन तो मैं बाहर आई थी सबसे बात करने के लिए, बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये शुरुआत तो 2 महीने पहले से हो चुकी है। ये जो मेरे साथ कर रही है, हरेस मुझे कर रही है, ये उस दिन की बात नहीं है, तब मैं आई हूँ। अब मेरा अगर किसी का कोई सवाल है मेरी तरफ, अब
क्योंकि अब मैं लीगल टीम के पास जाना चाहूंगी। राखी ने ये भी कहा है कि वीडियो बनाने का किस्सा आपको लाइक पसंद था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लाइक फिजिकली जब होते तो आपको वीडियो बनाने का शौक था आदिल के साथ, उन्होंने ये कहा। और जब आप आदिल से मिलते थे वो टाइम पे जब राखी आप आदिल थे साथ में, तो आप लाइक आदिल के साथ थोड़ा बैड टच, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसे घटिया सवालों का राखी, या आप नहीं कह रहे ये राखी का घटिया, ये राखी का घटिया सवालों का जवाब देना अब बंद करना है मुझे। राखी एक समुंदर है, क्योंकि बार बार कह रही है दिन में भैया रात में, बिल्कुल। राखी सावंत एक गंदगी का समुंदर है और समुंदर कभी खत्म नहीं होता है। राखी रोज कुछ ना कुछ बोलेगी। अब हम बैठे हैं कल तक की बातें करने के लिए, आज कुछ और आएगा, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। अब राखी को सिर्फ और सिर्फ मैं लीगली जवाब दूंगी। राखी सावंत तुम रेडी हो जाओ, तुमने जो मेरे साथ किया है अब तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा देखो कर्मा है ना, एक दिन जरूर आता है, ऊपर वाले की लाठी आएगी, जरूर आएगी राखी सावंत तुम्हारी तरफ, और इतने जोर से पड़ेगी ना जो तुम गंदगी कर रही हो। अगर 1% भी मैं इनमें इन्वॉल्व होती तो आज मैं शर्म के मारे छुप जाती, यहां से एक फ्लाइट लेती, यहां से निकल जाती, आप लोगों को किसी को नहीं मिलती, मैं कहीं पर भी चली जाती। मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं गई हूं। आज सब लोग आज मेरे घर पे ही हो और मैं यहीं पे रहूंगी, ना मैं तुमसे डरूंगी। तुम्हें जितनी गंदगी करनी है मेरे बारे में राखी सावंत आप करो, क्योंकि आप गंदगी का समुंदर हो। आपने ये दिखा दिया है जनता को, जनता सब देख रही है कि तुम कितनी गंदी, तुम्हारा लेवल क्या है। मैं जिंदगी में ये लेवल को टच भी नहीं कर सकती, मेरे 10 जन्म भी हो जाए ना तो भी तुम्हारे लेवल पे मैं आ नहीं सकती। मेरे मुंह पे मुझे खुद को थूकना चाहिए कि मैंने राखी सावंत जैसे लड़की के साथ दोस्ती की है। खुद ही थूकना बनता है, ऊपर मुंह करके खुद ही थूक लूं मैं अपने मुंह पे। एक और बात राखी ने कही है कि तुम आपकी भी न्यूडिटी वीडियो बनाए और वेबसाइट पे या फिर जो भी है वायरल कर दे। राखी को करना है ये भी कर ले, वो ऐसे बोल रही है। हाँ बोल रही है ना, देखो दिन भर कुछ काम नहीं है, या तो खुद के न्यूड वीडियो दिखा रहे या तो दूसरे को दिखा रहे, अब उनको तीसरे का भी बनाना है। गंद है गंद राखी सावंत। राशिद जैसे आप कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप लोखंड वाला में काम करें, काफी आप क्लासिक काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आपने जो सोचा था उसका कहीं विपरीत हो रहा है? आपकी कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि फैमिली पे आपको टेंशन हो रहा है, मेंटल हरास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना, इन सब मुद्दों की तरफ जाना कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ रहा है? पड़ेगा ना। सबसे पहले राखी सावंत के साथ दोस्ती रखना अगर इस तरीके से भारी पड़ी है तो आगे तो सी, अगर मैंने कोई दवाई खाई है तो उसका रिएक्शन तो मुझे ही भरना है ना, राइट? जो राखी सावंत नाम की टैबलेट मैंने खाई थी, अपनी ज़िंदगी में लाई थी, तो उसके रिएक्शंस हो रही है और मैं डट के खड़ी रहूँगी। जो ऐसे अपने जो बोला है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। आज फिर से इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए आज मेरा एडवोकेट यहाँ पे है। हम लोग मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। राशि मैम जिस तरीके से आप कह रहे हैं लीगल तरीके से एडवोकेट लेके बैठे, कल राखी मैम भी ये चीज कर रही है, शलीन भी कर रही है, आदित्य भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू चीजें चल रही, तो क्या लगता है इसका कोई एंड है? बिल्कुल एंड है, बिल्कुल एंड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आज के बाद शायद मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से जाऊंगी। राखी सावंत को मैं मैसेज दे रही हूँ, जितना गंद फैला सकती है रोड पे बैठ, सीढ़ी पे बैठ, बैक रोड पे बैठ, किसी के कॉफी शॉप में बैठ, अपने घर में बैठ, और तुम्हारे अंदर जितना गंद है ना, तुम गंद का दरिया हो, फैला गंद। मैं तुझे सिर्फ कोर्ट में देखूंगी, सिर्फ कोर्ट में, आज के बाद नो कॉन्फ्रेंस। राशि, राखी ने कहा है कि राशि इतनी खराब है कि उसके लिए बोलने के लिए संगीता भी आ जाएगी सामने, और कोरियोग्राफर जो फिरोज है वो भी आ जाएंगे। संगीता कपूर है, यस, जिनका रेस्टोरेंट है ना लखनवी, वो उनको फेमस नहीं करना है। हाँ, संगीता कपूर है, ओके। और कौन? फिरोज खान, कोरियोग्राफर फिरोज खान जी। मैं आप दोनों को, राखी ने बोला है ना, ये उन दोनों ने नहीं बोला है ना अभी तक, ठीक है। राखी आप लोगों के नाम ले रही है, मिस्टर फिरोज खान और संगीता कपूर है। राखी ने ये लाइव नाम लिया हुआ है
और उसने क्या बोला है आपको कि उसके पास रिकॉर्ड भी है, उसने कॉल रिकॉर्ड किए हैं और वो बोलने के लिए भी रेडी है सबके सामने, सबके सामने बोलने के लिए भी रेडी है। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग उनसे उनके पास जाए, वो रिकॉर्डिंग सुने, वो कितनी सच्ची रिकॉर्डिंग है कितनी झूठी है। जितने भी लोग मेरे बारे में राखी को कॉल करके जो कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक तो मैं आपसे विनती करूंगी कि विद द प्रूफ बाहर आइए, और ये झूठे एलिगेशंस है तो आप लोगों के ऊपर भी मैं कंप्लेंट करूंगी। जिन लोगों का राखी सावंत नाम ले रही है मैं उनके ऊपर भी कंप्लेंट करूंगी। अच्छा एक आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या था जो शर्दीन आप लोग के साथ थी और अचानक से उस तरफ पलटी हो गई? क्या उनको फुटेज पब्लिसिटी की जरूरत थी जो आप लोग के साइड से नहीं मिल रही थी और उधर जाने के बाद मिल रही है? किसी के घर में दरिया घुस के आया है और बाकियों को अपनी पब्लिसिटी पड़ी है, समझे आप? यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो ले ले, अपने मुद्दे खड़े करे, जितना चलती ट्रेन में घुसना है घुसो, जो करना है करो, दिन भर कैमरे अपने आगे पीछे लगाओ, परमानेंट कैमरे अपने पास रखो और जो करना है करो। आपका लेवल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैं उस लेवल को टच नहीं कर सकती। मुझे ये सारी चीज़ें ना सुनने की आदत है ना बोलने की आदत है। एक खानदानी लड़की हूँ और राखी सावंत जैसी लड़की के साथ मैं ये ज़ुबान यूज़ भी नहीं कर सकती जो वो कर रही है। रोड पे खड़े होके, रोड पे नीचे भिखारी के बाजू में बैठ के कि राजश्री मेरे पति के साथ इस होटल में थी, उस होटल में थी, अरे भाई है मेरा वो राखी सावंत, आप जोर लगा लो, साबित करके दिखा दो कि कुछ भी मेरा गलत रिलेशन है। आपके लाइफ में आप केवल एक पैटर्न चलाती आई हो, आपका पिक्चर एक ही है, आपकी पिक्चर की स्टोरी एक ही है, बस आप हीरो और हीरोइन चेंज करती हो। हर 6 महीने में तुम्हारे पिक्चर का हीरो चेंज हो जाता है। इस बार नई चीज आ गई कि एक हीरोइन भी आ गई उसके अंदर। क्या पिक्चर बनाती हो, स्टोरी तो नहीं रखो अपनी, सेम स्टोरी। इंस्टाग्राम उड़ गया, मेरी न्यूड वीडियोस बाहर आई और क्या उन्होंने इल्जाम लगा मेरे पति के साथ अफेयर किया। आप पहले से उनका घर तोड़ना चाहती थी? डे वन से मैं उनका घर तोड़ना चाहती थी, ये आदिल ने भी बोला है, राखी पुलिस स्टेशन में बोला है। वेरी गुड, ऐसा ऐसा आदिल का तो मैं आदिल को, आदिल ने बोला है तो मैं आदिल को भी कहूंगी कि आदिल दिखाओ प्रूफ, दिखाओ। आदिल को भी बोल रही हूँ, राखी को भी बोल रही हूँ, दोनों मिलके प्रूफ लेके आओ। आप दोनों का घर आप दोनों से ही नहीं संभल रहा था, क्यों मुझ पर डाल रहे हो? ऊपर से मुझे बर्बाद करने की जो राखी धमकियां दे रही है वो ये साबित कर रही है कि मैं इस लड़की को अपने गंदगी से मारूंगी। देखिए आज उसके अंदर सच्चाई होती, उसका क्लास होता ना तो तरीके से करती नहीं है उसका कुछ भी, सिर्फ मुझे गंदगी से मारना चाहती है। और राखी सावंत तुम्हारी गंदगी मुझे छू भी नहीं पा रही है, मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत क्लीन चीट हूँ। जिस जो इंसान के मन में चोर ही नहीं है तो डर किस चीज़ का राखी सावंत? आज भी आप शाम को बाहर आ जाइए, कल आ जाइए, आप फिर से अपना वल्गैरिटी शो चालू रखिए और देश को आपका वल्गर शो देखने में कितना इंटरेस्ट है मैं भी देखना चाहती हूँ। रखो आप अपना वल्गर शो चालू। अच्छा पब्लिसिटी की बात की, आप दोनों एक टाइम बहुत टाइम तक साथ में भी आते थे मीडिया के सामने, तो उस टाइम भी सबको यही लगता था कि पब्लिसिटी की है क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं था मीडिया के सामने आने का। राखी आती थी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के। और कर्मा की भी बात की थी आपने, तो आपको लगता है कर्मा ने आपके साथ भी गलत किया, मतलब कर्मा आपके पास भी रिटर्न आया क्योंकि आपने राखी से दोस्ती की और आज जो फेस कर रही है? 100% दूसरे के कर्मा के तो दूर की बात करती हूँ, सबसे पहले कर्मा मुझे ही हिट कर रहा है। राखी सावंत के साथ खड़ी थी बिना सोचे समझे कि क्या सच है क्या झूठ है, जो राखी रोती थी उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी, ये कर्मा ही तो है। राखी सावंत के साथ दोस्ती करना ये मेरा कर्मा ही तो है। और क्या है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, दूसरे का कर्मा देखने से पहले तो मेरा ही कर्मा है ये। आज इतनी गंदी लड़की के साथ दोस्ती रखी है ना, ये कर्मा मुझे हिट कर रहा है। मेरा नाम श्रेयांश मिठारे, एडवोकेट श्रेयांश मिठारे, तो मैं राजश्री का लॉयर हूँ। और हमने अभी तक, राजश्री ने 3 पुलिस कंप्लेंट्स फाइल की है ओशिवारा में राखी के खिलाफ, राखी सावंत के खिलाफ। एक था, एक कंप्लेंट है, फर्स्ट कंप्लेंट वाज 26 अगस्त 2023,
फिर उसके सॉरी 22 अगस्त 2023 सबसे पहली वाली कंप्लेंट जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और दूसरी कंप्लेंट है 26 अगस्त 2023 की, और लेटेस्ट कंप्लेंट है जो कल के इंसिडेंट के बेसिस पे आज ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया है, ये उसकी कॉपी है। और एक पुलिस स्टेशन से हम लोगों ने सीनियर पीआई से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे राखी के ऊपर 506 ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन है, एंड 509 जो है एक आउटरेजिंग ए बाय अब्यूजिंग ए वुमन, किसी का वुमन के बारे में अब्यूज़ करना, उसके पब्लिक में उसके बारे में गलत शलत बोलना, उसके ऊपर 509 है, और इसके अंडर ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके तहत हम लोगों ने FIR की रिक्वेस्ट किया है, और हम लोग देख उन्होंने कल स्टेटमेंट के लिए भी राजश्री को बुलाया है पुलिस स्टेशन में, और जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा तो FIR हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने राखी सावंत ने एक डिफेमेशन का केस राजश्री के ऊपर 15 दिन पहले फाइल किया था, जिसके बारे में काफ़ी उन्होंने मीडिया में जिक्र किया था, तो उसके काउंटर में बोलिए या उसके जो एलिगेशंस आज के दिन में राखी लगा रही है राजश्री के खिलाफ बिफोर ए सेवरल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक डिफेमेशन केस, शायद से मुझे जज साहब को याद आ गया कि राखी सावंत ने भी राजश्री के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया है, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को कोर्ट ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दिया कि आप चेक करो कि जो राखी सावंत ने जो किया है उसमें राजश्री इज़ ए एक्यूज्ड। जब उन्होंने वेरीफाई किया और उसमें पता लगा कि राजश्री इज़ द एक्यूज्ड, तो हमने कहा कि ये हमारा काउंटर कंप्लेंट है, तो उन्होंने 6 नवंबर को इसका डेट, दोनों का केस, राखी वाला डिफेमेशन केस एज वेल एज राजश्री का डिफेमेशन केस, एक ही दिन में रखा है, जिसकी सुनवाई राखी के तरफ से राखी के लॉयर लड़ेंगे और राजश्री के तरफ से मैं लड़ूंगा, और उसके बाद माननीय कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसमें कसूरवार कौन है। अगर राखी कसूरवार होती है तो राखी के खिलाफ आगे के कानूनी कार्रवाई जो रहेगा वो किया जाएगा। 6 नवंबर सर मैं आगे जाना चाहूँगा, अक्सर जब भी किसी घर में लड़ाई होती तो वो यही कहता है कि तुझे मैं कोर्ट में देखूँगा, इतना भरोसा हम सभी को कोर्ट पे, और कहीं ना कहीं जितने भी जो सेक्शंस होते हैं जिस तरीके से आपने बताया हमको ये सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पता चलते हैं, अगर हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आदिल जी के जाए, शेलिन के जाए, राखी जाए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने बच गए हमको सारे केस बता दें, लेकिन कहीं ना कहीं हर कमेंट सेक्शन में एक मैसेज होता है कि अभी तक क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, अभी तक क्यों सामने कोई फैसला क्यों नहीं आ रहा जी, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये केस की जो कार्रवाई चल रही है वो डिले हो रही है या फिर कुछ इसके बीच में? डिले नहीं है, जो पेंडेंसी ऑफ द आज मुंबई के कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसके वजह से ये पहला जो डेट है ये इतने लंबा ही मिलता है। यहाँ पे कानूनी जो प्रक्रिया जो चलती है जिस हिसाब से, तो जल्दी से जल्दी 2 महीने का डेट, तो ये पहला तारीख जो है जिस दिन राखी का भी जो कंप्लेंट है, राखी का जो डिफेमेशन केस है वो, उसके अलावा हमारा भी जो डिफेमेशन केस है राखी के ऊपर, वो दोनों एक ही तारीख को रखा है 6 नवंबर को, जिसमें दोनों की हियरिंग होगी। अच्छा ये अगर मान लो आपसी सुलह से ये चीज़ें सॉल्व होती है, अगर ऑप्शन देता है कोर्ट में, अगर ये चीज़ कम ये होता तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बट एक बार कोर्ट का ऑर्डर कानूनी प्रक्रिया अगर मोशन में आ गई, मतलब जैसे कोई जज ने ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना है तो उसे हाईकोर्ट में जाके सुलह करना पड़ेगा, देन इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ राजश्री टू टेक बैक दैट केस। आपका सबूत क्या है? ये जो आप जो सबूत आप लोग ही दे रहे हो, ये जो सबूत रोज चल रहा है यही बड़ी सबूत है। राखी ने अपने डिफेमेशन केस में जो राजश्री के खिलाफ फाइल किया है उसमें आप लोगों का ही एक वीडियो उन्होंने चलाया है, हमने 50 वीडियो चलाए है उसमें, हमने जो राखी ने एक वीडियो चलाया है हमने 50 वीडियो दिखाए, जिस तरीके से अभी लेटेस्ट वाला जो कल वाला वीडियो है जिसमें बहुत स्लैंडरस एलिगेशंस किए है उसको भी हमने कल जाके हम लोग मंडे को उसको ऐड कर देंगे। तो क्या ग्राउंड पे डिफेमेशन केस जीता जा सकता है सर? ये जो राखी दिन ब दिन जो एलिगेशन कर रही है, जो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स है ये, और इसको ये प्रूव करने की भी ये मतलब ये तो वीडियो है, नॉर्मली नॉर्मल कोर्स में एक तो प्रिंट मीडिया में डिफेमेशन रहता है, प्रिंट के हिसाब से रहता है, प्रिंट में आप डिफेंस ले सकते हो कि हमने ये कहा ही नहीं है, बट यहाँ पे तो वीडियो है
जो राखी खुद वीडियो पे कह रही है कि राजश्री ये है राजश्री वो है करके, तो ये प्रूफ करने के लिए ज़्यादा ये नहीं है। तो वीडियो तो बेसिकली एक तरीके से टोटल गवाह नहीं देता है। नहीं जिसे जिसे नहीं 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 उसमें जब कोर्ट में जब एडमिसिबिलिटी की बात आती है तो कोर्ट हमसे ये पूछा जाता है कि ये वीडियो जो आप जो चला रहे हो वीडियो, ये वीडियो के बेसिस पे एक 65B ऑफ द एक सर्टिफिकेट रहता है, 60 को वेरीफाई करो वेदर इट इज़ ए जेन्यून वीडियो और नॉट। और अगर वो वीडियो जेन्यून है तो उसमें उसको आधार रख के उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा कोई हुकुम का इक्का आपके पास? वो कोर्ट में दिखाएंगे। नहीं वो कोर्ट सर मेरा सवाल है आपसे, आपने कहा 6 नवंबर को कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में जो होगी कानून का उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अधिकतर अगर बात करें न्यायालय के ऐसे कोर्ट में कई जो है केसेस पेंडिंग है 22 या 25 के करीब, इससे भी ज्यादा केसेस पेंडिंग, क्या लगता है इस केस को 6 नवंबर को न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा? हाँ जी 6 नवंबर को इसको फाइनल हियरिंग पे रखा गया है कोर्ट में और उस दिन सुनवाई किया जाएगा, क्योंकि हम लोग ये भी सोच रहे थे कि इसके पहले जो राखी अभी दिन ब दिन राखी के जो स्टेटमेंट्स रोके नहीं जा पा रहे, दिन ब दिन वो स्टेटमेंट किए जा रही है, उसके खिलाफ़ हम लोग कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि इसे जल्द से जल्द डेट दिया जाए तो सुनवाई किया जाए, सो दैट हम लोग कुछ राखी के खिलाफ रेस्टेनिंग का ऑर्डर ले पाए। कोर्ट का भी टाइम होता है कि नहीं, केस जो है केस का भी कुछ टाइम ही रखा जाता है, इतने में इतना जो है हैंडल करना है इसको जो है, और अगर लगता है कि अगर 6 नवंबर को अगर जो है ओवर हो जाता है क्या लगता है अगले? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर कोर्ट में एक 50-60 केसेस दिन के रहते हैं और उस 50-60 केस के पूरे सुनवाई हो जाती है, जिसमें अगर अनलेस आपके कोई वकील को तारीख लेना है या अलावा तो उसके वाला अलावा वो हियरिंग वो हो जाएगा 6 नवंबर को। आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि ये जो वीडियोस जो है जो राखी ने कल जो इंटरव्यू दिया है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे विथ 65B का सर्टिफिकेट के साथ फॉरेंसिक का, कि ये ऑथेंटिसिटी ये ऑथेंटिक वीडियो है, इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है और इसे एक प्राइमा फेशे एविडेंस करके लिया जाए राखी के खिलाफ। 6 नवंबर को सर ये खत्म हो जाए, खत्म मतलब तारीख का आपको कितना इंतजार है? मैं तो मेरा बस चले, मैं वो कैलेंडर चेंज ही कर दूं, कैलेंडर का बीच के जितने भी कैलेंडर के बीच के जितने भी पन्ने हैं ये सब क्या चल रहा है, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तो फाड़ ही दूं, मैं तो चाहती हूँ नवंबर अब जल्द से जल्द आए। बीच में गणपति आए, हाँ मेरे घर में भी गणपति है, आप सब लोग प्लीज आए। तो उसके पहले मतलब अगर आपस में सुलह की कोशिश नहीं, उसके पहले एक नहीं उसके पहले एक ये हो सकता है कि ये अगर FIR रजिस्टर होता है राखी के खिलाफ, अगर ये जो हमने आज का जो कंप्लेंट किया है कल के वीडियो के इंटरव्यू के बेसिस पे, अगर इसमें FIR रजिस्टर होता है तो राखी को एंटीसिपेटरी बेल में जाना पड़ेगा। अच्छा जैसे कि न्यू कैरेक्टर राखी लेके आ रही है उनके ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा? मेरा कुछ उस पर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। आप लीगली जाओगे या बॉन्ड करके ही छोड़ दोगे? नहीं नहीं लीगली जाएंगे, अगर वो राखी के जो स्टेटमेंट पे कोई कॉरोबरेशन दे रहा है कि उनको मतलब बोल रहा है कि राखी ने जो कहा है वो सच का है, या तो हम लोग उनको बुलाएंगे कि आप एविडेंस दीजिए कि जो आपने कहा है उसके लिए आपके सपोर्टिंग में कुछ प्रूफ करने के लिए एविडेंस है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कानूनी कार्रवाई उनको फेस करना पड़ेगा। अच्छा आपको माँ कहा था राखी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये माँ बेटी का रिश्ता क्या पता अगर कोर्ट से जाने से पहले अगर आपका दिल पिघल जाए और फिर एक बार राखी और आप मतलब गले मिलने एक दूसरे से, ऐसा भी नहीं? माँ कहा था और माँ की माँ बहन कर दी, माँ को किसी के सामने खड़े रहने शक्ल दिखाने तक की भी छोड़ी नहीं, इज्जत माँ की खत्म कर दी। माँ के ऊपर ये बोल रही है कि मेरा पति और मेरी माँ दोनों कमरे में जाते हैं, होटल में जाते हैं, ये माँ कहा था मुझे माँ छी 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 कैसे मैं मतलब माँ के ऊपर, हाँ माँ है ना, मैं माँ थी ना उसकी, दिल पिघल सकता है माँ के, अब जाके अब उसने तो खुद ने बोला है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसका पति और मैं होटल कमरे में जाते हैं, तो सोचिए उसकी सोच कितनी घिनौनी है। आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे ऐसे टाइम? एक थप्पड़ मारूंगी मैं उसको, मेरा सिर्फ उसको एक थप्पड़ ही काफी है, ये जो फैला रही है ना मैं राखी को राख क्या मुझे, मैं उसको मर्डर करना चाहती हूँ। राइट और क्या बोला था उसने,
बैक रोड पे आपको आप उसको फेंकवाना चाहते हो गाड़ी में। कौन अपने गंदे हाथ खराब, अपने हाथ कौन खराब करना चाहेगा? तुम तो अपने कर्मों से मरोगी। मैं लीगली जाऊंगी और उसके बाद तुम अपने कर्मों से मरोगी। आपको मारने में इंटरेस्ट किसको है? ऊपर से कहती गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करो, तुम्हारी गंदगी को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी? अभी उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है ताकि तुम रोड पे बैठ के गंदे गंदे एलिगेशन लगाओ। वो फेस ऑफ के लिए भी रेडी हैं, बोल रही है आदिल अपने साथ सबको ले आए और मैं शर्लिन और ये लोग सब फेस ऑफ के लिए भी रेडी हैं और उनके ऊपर बायोपिक भी बननी चाहिए। बने ऐसी बायोपिक देखने के लिए कौन जाएगा? मतलब क्या मैं गंदा बनेगा? उनकी बायोपिक में क्या होगा? उसके चार पांच पति, और जब तक उनकी बायोपिक बनेगी उसमें और चार पांच पति और ऐड हो जाएंगे। जब तक वो बनेगा, राइट? यस। क्या ही बनेगा? और सेम स्टोरी तो मैंने बताई थी, ये उसकी सेम सेम है, सिर्फ पति चेंज हो रहे हैं, पति चेंज हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड चेंज हो रहे हैं, पति चेंज हो रहे हैं, एलिगेशन तो सेम ही है। और ये फेस ऑफ के लिए क्या बोलोगे? फेस ऑफ के लिए, फेस ऑफ, ये फेस ऑफ 18+ मूवी। देखिए मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिसके घर में, जिसके घर में दरिया घुस के आया ना राखी सावन जैसा गंदा, उसको पता है उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो सवाल करने से पहले कोई मजाक का सवाल ना आए। नहीं, बट फेस ऑफ वाला इट वाज सीरियस कि उन्होंने बोला है कि वो फेस ऑफ के लिए रेडी हैं और वो अपनी टीम लेकर के और आदिल अपने टीम लेकर के आ जाए, फेस ऑफ कर ले। जो अगर तू आदिल को बोल रही है ना, आप भी है ना आदिल की टीम में? अच्छा, आप नहीं हो आदिल की टीम में? मैं आदिल, देखो मैं फिर से कहूंगी कि टीम नहीं है। अच्छा, बहन है? मैं उसकी बहन हूँ, मैं अपना भी कर रही हूँ, मैं उसका भी करूंगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैंने आदिल, आदिल अपना कर रहे हैं, मैं आदिल को कभी मैंने बुलाया नहीं है अपने मामले में। मैं अपना भी लड़ूंगी, साथ में आदिल का भी लड़ूंगी। अगर जिस दिन ये करना होगा मुझे बुला, मैं जाऊंगी, फिर कर ले, देख लेते। अच्छा, आदिल का खर्चा भी आप उठा रहे हो ऐसा सुना? भाई राखी सावंत देखो स्टेटमेंट देखो, पहले कहती है कि मैंने उसका खर्चा ही नहीं किया है, मेरे इतने लाखों डूब गए राखी सावंत के चक्कर में। अब कहती है कि हाँ वो मेरा खर्चा उठाती थी, अब राखी राजश्री आदिल का भी खर्चा उठा रही है। राजश्री का दिल इतना बड़ा है ना, 50 लोग और लेके आओ, सबका खर्चा उठा दूंगी। पर ये बात झूठ है, आदिल से, आदिल का खर्चा मैं उठा रही हूँ। बहन बोल के वही मुझे बोलता है कि बहन खाना खाएगी, कुछ सैंडविच खाएगी, ये करेगी वो करेगी। गंद राखी सावंत का सवाल। मैंने कहा ना ओवरऑल आंसर एक ही है, राखी सावंत एक दरिया है, गंद का दरिया है, गंदा दरिया है। उसका पानी इतना मैला है, उस दरिया का इतना गंदा मैला है, किसी को प्यास लगेगी ना तो राखी सावंत के दरिया से एक लोटा लेके पी भी नहीं सकता है। वो मरना पसंद करेगा लेकिन उसके दरिया में से कोई एक लोटा भी नहीं लेगा, इतनी गंद है वो। ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगी, आप प्लीज जनता सच जानिए, सच देखिए। जो मुझ पर इतने गंदे आरोप लग रहे हैं, खड़े रहिए आप मेरे लिए, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, इन सब गंदगियों में कभी ना गई हूँ ना कभी मैं जाऊंगी। ये राखी सावंत को शोभा देता है, एवरी डे मुझ पर न्यू एलिगेशंस लगाती है। आज जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी क्या है? राखी सावंत हर किसी को बदनाम कर रही है। राखी सावंत जैसी लड़की इस सोसाइटी में क्या कर रही है? क्यों उसको पाला जा रहा है सोसाइटी में? थैंक यू सो मच।